समय परमेश्वर ने दास की गुवाहियों को अपने मन से रिसीव किया, हॉस्पिटल में रिसीव किया कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे परमेश्वर के दास अच्छा अंगीकार करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बोलते हैं कि कुछ नहीं है, और मैं भी विश्वास करती हूँ कि जब तक मैं 9वें मंथ की अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो मेरे बेबी का वेट भी पूरा होगा और जो एचबी है वो भी बिल्कुल सही होगा। सुनने में आपको हल्का लग रहा है पर इसमें एक बड़ा फेथ है, बड़ा विश्वास है। इस सिस्टर का नाम हरप्रीत है और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं और जे बल्ले गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि जब जे सिस्टर प्रेग्नेंट थी और जे बता रहे कि जब इनकी प्रेगनेंसी 2.5 महीने की थी तो जब इन्होंने जे बता रहे कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा जे बता रहे कि परेशान हो चुके थे कि मेरी इतनी बॉडी में इतनी वीकनेस है, इतना परेशान है, तो जे बता रहे हैं कि जे घर का काम भी नहीं कर पा रहे थे और जैसे जे बता रहे हैं कि फिर इन्होंने जो डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे तो जब डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसे अल्ट्रासाउंड कराएं तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आपको प्रेगनेंसी है 2.5 महीने की, इसलिए सब प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है। तो जैसे डॉक्टर ने फिर उस समय इनके इनके कुछ और भी टेस्ट किए जैसे कि इनका एचपी भी टेस्ट किया तो जो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला कि आपका एचपी भी 9 ग्राम है, तो जो बता रहे हैं कि उस समय जो बता रहे हैं कि फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी मेडिसिन इनको दी और जैसे कुछ टेस्ट जो इन्होंने किए थे और भी आगे इनको कराने के लिए बोला तो जो बता रहे हैं कि फिर जो अपने घर आए तो जो विश्वास में बने रहे, धन्यवाद करते रहे और जो बता रहे हैं कि जैसे जो मीटिंग में भी आ रहे थे तो जो बता रहे हैं कि जो विश्वास में करते रहे कि परमेश्वर मेरी जो भी बॉडी में ऐसे वीकनेस है सब कुछ ये नॉर्मल कर चुके। तो जो बता रहे हैं कि जब 6वां मंथ स्टार्ट हुआ था फिर इन्होंने जब टेस्ट कराए थे तो उस समय डॉक्टर ने बोला था कि इनका जो बेबी का वेट है वो सिर्फ 540 ग्राम है, तो जिसके कारण जो बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला कि जैसे ही आपकी डिलीवरी के समय भी प्रॉब्लम हो सकती क्योंकि आपके बेबी का वेट बहुत कम है और आपका एचबी भी 9 ग्राम है। तो जो बता रहे हैं कि फिर इन्होंने उस समय परमेश्वर के दास की गवाहियों को अपने मन से रिसीव किया, हॉस्पिटल में ही रिसीव किया कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे परमेश्वर के दास अच्छा अंगीकार करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को बोलते हैं कि कुछ नहीं है, और मैं भी विश्वास करती हूँ कि जब तक मैं 9वें मंथ की अल्ट्रासाउंड कराऊंगी तो मेरे बेबी का वेट भी पूरा होगा और जो एचपी है वो भी बिल्कुल सही होगा, जितना डिलीवरी के टाइम में चाहिए उतना होगा। तो जो बता रहे कि जो पॉजिटिव प्रेयर में अंगीकार में बने रहे और जहाँ तक जो बता रहे इन्होंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, अपने घर में भी किसी को नहीं बताया और जो विश्वास करते रहे कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सब टेस्ट सब अल्ट्रासाउंड नॉर्मल कर चुके। और जब बता रहे कि जैसे जो विश्वास करते रहे लगातार संडे की मीटिंग को अटेंड करते थे उस समय भी जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर करते थे और जो उस समय भी अपने लिए रिसीव करते थे कि मेरा बेबी बिल्कुल ब्लेस है क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर आप इसका वेट बढ़ा चुके हो और मेरा जो खून की बॉडी में कमी है 9 ग्राम है वो भी आप पूरा कर चुके हो। तो जब बता रहे कि जैसे जो लगातार प्रार्थना कर रहे थे और जब इनके 9वां मंथ इनको लगा तो जो बता रहे कि फिर इन्होंने फिर से अपना अल्ट्रासाउंड कराया और अपने टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बोला कि जो कि आपके बेबी का वेट कम था और अभी जितना चाहिए। और जो बता रहे कि जैसे इनका टेस्ट किया तो जो बेबी का वेट था वो भी जो बता रहे कि 2.5 किलो से प्लस हो गया और जो बता रहे कि जो एचपी कम था वो भी 11 ग्राम हो गया जो कि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत कम है। तो जैसे इनकी चाहत कैसे जो इनका अच्छा अंगीकार पॉजिटिव प्रेयर और पॉजिटिव विश्वास में जो बने रहे उसके दौरान ही परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने बड़े काम को प्रकट किया। और जो बता रहे कि जिस दिन इनकी डिलीवरी हुई थी और जो बता रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो बेबी को कोई प्रॉब्लम आई और ना ही सिस्टर जी को, ना ही इनकी एचपी में कोई कमी आई, इनकी डिलीवरी परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से हुई और आज परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो सच में जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, बच्चों की आशीष नहीं है और जो विश्वास करते इस गवाही को रिसीव करे ताकि परमेश्वर भी आपको बेबी के साथ ब्लेस करे जैसे वचन में लिखा है कि जो बच्चे यहोवा की मीरास है। तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में भी अगर आप रिसीव कर रहे हो, जो ऑनलाइन भी कोई बहने देख रहे इस मीटिंग को वो भी
जिनके पास बेबी नहीं है वो भी रिसीव करे, ताकि आपके जीवन में भी परमेश्वर इस ब्लेसिंग को दे। तो बताइए सिस्टर जी, आज परमेश्वर ने आपके जीवन में जब डिलीवरी हुई थी कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल अच्छा किया। तो आज आप कितना खुश हो? बहुत। तो आज परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ जो ब्लेस किया है, तो सच में हमें इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और जोर से तारीफ करेंगे। कलीसिया, उस खुदावन परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने मन को लगाएं, उस गवाही को रिसीव करें। सब बहने जिनके पास बच्चों की ब्लेसिंग नहीं, वो भी विश्वास करें कि परमेश्वर भी आपको बेबी के साथ ब्लेस कर चुके, आपके बीमारी को खोल चुके। तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं। तारीफ रुकनी नहीं चाहिए कलीसिया आपकी। अगर आप खुश हो इन सब गवाहियों को सुन रहे हो तो अपने हाथों को हिलाते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे हमने पहले भी टेस्टिमनी सुनी। क्या सुनी? के मैं जैसे पापा जी आप विश्वास करते हो, मैंने भी ऐसे किया, उसने भी बच्ची ने ऐसे किया। जब ऐसे किया, बोलो क्या है? जब ऐसे किया, जब समय आया प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, एचपी भी पूरा है, बच्चे का वेट भी पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ नॉर्मल, डिलीवरी हुई और खुदा ने बेटे से ब्लेस कर दिया। सुनने में आपको हल्का लग रहा है, पर इसमें एक बड़ा फेथ है, बड़ा विश्वास है।